मॉमीज यूवी मॉम किड्स केयर में आपका स्वागत है। आज मैं टॉपिक लेकर आई हूँ, ब्रेस्ट पंप क्या होता है, इसका क्या यूज़ करते हैं, फ़ायदे हैं और क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपसे शेयर करूँगी। बात करते हैं ब्रेस्ट पंप क्या चीज़ होती है। ब्रेस्ट पंप एक ऐसा उपकरण होता है जिससे माँ अपने स्तन से दूध निकाल कर उसे स्टोर कर सकती है और उसे बाद में अपने बच्चे को जब भी वो होता है वो उसे पिला सकती है। ब्रेस्ट पंप का यूज़ मोस्टली वर्किंग लेडीज़ ज़्यादा करती हैं। इंडिया में इसका यूज़ अभी मेरे हिसाब से बहुत कम ही लोग कर रहे हैं। मेरे नॉलेज में तो अभी जितने भी माँ हैं उन्होंने ब्रेस्ट पंप का यूज़ बहुत कम किया है, बट आजकल ये ट्रेंड में आने लगा है। जो वर्किंग लेडीज़ हैं वो ब्रेस्ट पंप का यूज़ करने लगी हैं अब इंडिया में। ब्रेस्ट पंप को यूज़ कैसे करते हैं, उसमें क्या होता है कि वो तीन प्रकार से आते हैं। एक होता है कि बैटरी से यूज़ चलता है, एक होता है इलेक्ट्रॉनिक होता है, एक होता है खुद से प्रेस करके उसको निकालना होता है। उसमें क्या होता है कि आपको अपने दोनों निप्पल में उसमें एक होता है कैप टाइप का, वो आप लगा देंगे और उसको प्रेस करते रहेंगे तो वो आपका दूध को ब्रेस्ट से निकाल करके वो एक बॉटल में स्टोर होता चला जाता है और उस मिल्क को आप फ्रिज में एक दो घंटे या दो से तीन चार घंटे रख सकते हैं और उसे हल्का गुनगुना करके अपने बच्चों को पिला सकते हैं। जिसने टाइम पर आप अगर वर्किंग वूमेन हैं तो वर्क कर रही हैं या कहीं एक दो घंटे के लिए आप घर से बाहर गई हैं तो उस टाइम पर आप उसे स्टोर करके आप रख सकती हैं और आप अपने बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क पिला सकती हैं। ब्रेस्ट पंप के फ़ायदे क्या क्या है, अगर हम फ़ायदे की बात करें तो पहली बात यह है कि हम अपने बच्चों को अगर हम फार्मूला मिल्क नहीं देना चाहते हैं किसी भी कंडीशन में एटलीस्ट 6 मंथ तक, तो हम ये ट्राई कर सकते हैं कि अगर हम बाहर जा रहे हैं या वर्क भी कर रहे हैं तो हम ब्रेस्ट मिल्क को निकाल कर रख सकते हैं और वो अपने बच्चे को बॉटल के रूप में या बॉटल में डालकर टाइम टू टाइम पर या गैपिंग में हल्का गुनगुना करके या जैसा ठंड का टाइम है तो हल्का गुनगुना करके, अदरवाइज़ गर्मी का टाइम है तो आप ऐसे भी उसे पिला सकते हैं और ब्रेस्ट पंप के थ्रू आप उसे स्टोर करके रख सकते हैं। दूसरी बात करते हैं फ़ायदे की, तो अक्सर क्या होता है जब बहुत ज़्यादा मिल्क बनता है तो हमारा ब्रेस्ट बहुत ज़्यादा टाइट हो जाता है और हमें डिसकम्फर्ट लगता है। आप ब्रेस्ट पंप को यूज़ करके आप उस मिल्क को निकाल कर रख सकते हैं। इससे क्या है, कहीं ना कहीं आपको ब्रेस्ट में हल्का फील भी होगा और कहीं ना कहीं वो ब्रेस्ट जो बहुत ज़्यादा भारी होने से क्या होता है ऑटोमेटिक मिल्क ब्रेस्ट से निकलने लगता है तो वो वेस्ट भी नहीं होगा और आप उसे स्टोर करके रख लेंगे और कहीं ना कहीं वो अपने बच्चे को आप दे सकते हैं। तीसरी बात करते हैं ब्रेस्ट पंप के जो फ़ायदे होते हैं, अक्सर क्या डिलीवरी के बाद होता है या सी सेक्शन से अगर आपकी डिलीवरी हुई है तो आप अपने बच्चे को दूध नहीं पिला पा रही हैं तो डॉक्टर या जो भी नर्स होती है वो ब्रेस्ट पंप का यूज़ करके आपके मिल्क को निकाल के आपके बेबी को पिला देती हैं। तो ऐसे क्या होता है, आपका ब्रेस्ट मिल्क भी बच्चा पी लेता है और आपको बच्चा भूखा भी नहीं रहता और फार्मूला मिल्क की ज़रूरत नहीं पड़ती है। चौथी बात करते हैं, अक्सर क्या होता है कुछ लेडीज़ जो होती हैं उनका जो निप्पल होता है ब्रेस्ट का वो बहुत छोटा होता है, वो बच्चा प्रॉपर अपने मुंह में नहीं ले पाता है और सक नहीं कर पाता है, तो क्या होता है इस कंडीशन में आप ब्रेस्ट पंप का यूज़ करके मिल्क को निकाल कर अपने बच्चे को ईजिली बॉटल में डालकर पिला सकती हैं। तो याद करते हैं कि ब्रेस्ट पंप का यूज़ करने के क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, तो साइड इफ़ेक्ट्स की सबसे पहली बात करूँगी, जो हम माँ और बच्चे के बीच की बाउंडिंग होती है वो कहीं ना कहीं टूटने लगती है। और क्या होता है, जब आप अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं और उसे प्यार करते हैं तो वो आपके और क्लोज आने लगता है। आप बार बार ब्रेस्ट पंप का यूज़ करके उसके थ्रू आप बॉटल में दूध डाल के अगर बच्चे को पिलाती है तो कहीं ना कहीं बाउंडिंग थोड़ी कम होने लगती है। तो ये एक पहला साइड इफ़ेक्ट मैं बताऊंगी जो बहुत ही ज़्यादा किसी भी माँ के लिए बहुत कष्टकारी होता है, इसीलिए आप इंडिया में देखेंगे ब्रेस्ट पंप का यूज़ अभी थोड़ा कम हो रहा है। दूसरा बात करूँगी, जो आपके ब्रेस्ट में दर्द होने लगता है क्योंकि आप बार बार यार है तो वो एक उपकरण ही है तो एक आर्टिफिशियल उपकरण ही, तो अगर आप उसे बार बार अपने ब्रेस्ट पर यूज़ करती हैं तो आपके स्तनों में या आपके ब्रेस्ट में एक दर्द बना रहता है जो कहीं ना कहीं आपको बहुत कष्ट देता है। तीसरी बात करूँगी, कहीं ना कहीं जो आपके ब्रेस्ट मिल्क का
बनने का जो उत्पादन करने का क्षमता होती है वो कम होने लगती है, क्योंकि ज़्यादा यूज़ करेंगे तो क्या होता है आपकी कोशिकाएं थोड़ी वीक हो जाती हैं। तो कहीं ना कहीं यह 100% नहीं बोल सकती हूँ कि इसकी यूज़ करने से ऐसा होता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये देखा गया है कि ज़्यादा ब्रेस्ट पंप यूज़ करने से आपके जो दूध बनने की क्षमता कम हो जाती है। चौथी बात करूंगी संक्रमित दूध, संक्रमित मिल्क का। संक्रमित मिल्क का मतलब होता है कि अगर आप ब्रेस्ट पंप का यूज़ करके आप मिल्क को निकाल के रखते हैं तो कहीं ना कहीं वो हवा के एक्सपोज में अगर आता है तो वो कहीं ना कहीं संक्रमित हो जाता है और आपके बच्चे के लिए वो हानिकारक होता है। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकती हैं कि आप ये तुरंत निकाला और विद इन 1 आवर या 2 आवर्स के अंदर अगर आप उसे पिला देते तो बेस्ट है। अगर उससे ज़्यादा टाइम के लिए अगर उस दूध को रखती हैं तो संक्रमित मिल्क कहलाता है और वो कहीं ना कहीं आपके बच्चे के लिए हानिकारक होता है। फिर बात करूँगी दांतों पर असर। अक्सर क्या होता है कि जब बच्चे ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं तो उनके जो मसूड़े होते हैं और दांत जो होते हैं वो कहीं ना कहीं स्ट्रांग होते हैं, और जो आप यूज़ करते हैं कि ब्रेस्ट पंप के थ्रू आप बॉटल के थ्रू अगर आप उन्हें पिला रहे हैं तो उन सब चीज़ों में जो मजबूती आती है वो मजबूती नहीं आ पाती है। तो ये भी एक कारण है और ये भी एक साइड इफ़ेक्ट होते हैं अगर आप ब्रेस्ट पंप के थ्रू अपने बच्चे को दूध पिला रहे हैं। और एक बात कहूँगी कि अगर आपने अपने ब्रेस्ट पंप को अच्छे से सैनिटाइज नहीं किया है या अच्छे से उसे साफ नहीं किया है तो एक गलती आपके बच्चे के लिए बहुत बड़ी हानिकारक या बहुत बड़ी हानिकारक चीज़ बन सकती है। उससे बच्चा अगर इफ़ेक्ट हो गया तो आपका बच्चा बीमार पड़ जाएगा और उसका खामियाजा आप ही को भुगतना पड़ेगा। अगर आप ब्रेस्ट पंप का यूज़ कर रही हैं तो उसको सैनिटाइज और अच्छे से साफ करके ही यूज़ कीजिएगा। फिर बात करूँगी कि इम्यूनिटी जो होती है वो बच्चों की कभी ना कभी थोड़ी वीक हो जाती है। अगर बच्चा डायरेक्ट ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा है तो उसकी इम्यूनिटी ज़्यादा मजबूत होती है। अगर आप ब्रेस्ट पंप के थ्रू मिल्क निकाल करके अगर थोड़ा रखते हैं तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से जो इम्यूनिटी लेवल के लिए जो उनको पोषक तत्व तो चाहिए होते हैं पूरा पोषक तत्व तो उनको नहीं मिल पाता है। तो ये भी एक्सपेक्ट होता है अगर ब्रेस्ट पंप के थ्रू आप बच्चे को मिल्क प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये सारी बातें जो होती हैं फ़ायदे के साथ नुकसान भी बहुत सारे होते हैं। तो आपको दोनों चीज़ों को देखते हुए अगर आप वर्किंग है तो ऑब्वियस सी बात है आपको ब्रेस्ट पंप का यूज़ करते होंगे और ब्रेस्ट पंप के थ्रू मिल्क निकाल के अपने बच्चे को देते होंगे। लेकिन इंडिया में क्या होता है ब्रेस्ट पंप के यूज़ से ज़्यादा अगर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, आप ब्रेस्ट पंप को यूज़ नहीं करना चाहते तो हाथों पर से प्रेस करके भी आप मिल्क को निकाल के रख सकते हैं और अपने बच्चे को पिला सकते हैं। तो ये है सारे तरीके ब्रेस्ट पंप क्या होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा तो यूज़ कैसे करते हैं और ब्रेस्ट पंप क्या चीज़ होती है। तो ये प्लास्टिक की बोल सकते हैं एक उपकरण होता है जो एक मैनुअली भी आता है, बैटरी से भी जो चलता है उसके थ्रू भी आप यूज़ कर सकते हैं और इलेक्ट्रॉनिक भी यूज़ होता है। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ब्रेस्ट पंप का यूज़ करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते अपने बच्चे को मिल्क देने के लिए। अगर आप मेरी बात करते हैं, मैं भी एक वर्किंग हूँ, पेशे से एडवोकेट हूँ, मुझे भी 1 से 2 से 3 घंटे के लिए घर से बाहर रहना पड़ता है। तो उस टाइम मैं यही करती हूँ कि अपने ब्रेस्ट को प्रेस करके मिल्क को निकाल करके 1-2 घंटे के लिए स्टोर करके आती हूँ और वो मैं अपने बेटी को देती हूँ। और मैं फार्मूला मिल्क भी देती हूँ अपने बेटी को, क्योंकि क्या होता है कभी कभी ब्रेस्ट मिल्क निकालने से नहीं निकल रहा है तो वो फार्मूला मिल्क पे डिपेंड करती है 2 से 3 घंटे के लिए। ओके गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा।